अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रॉब्लम 59। वो कहता है कितना वर्क होगा जब आप डाइपोल को 180 डिग्री टर्न करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड 46 न्यूटन पर कूलम है। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दे रहा है 3.02 × 10⁻²। इनिशियल एंगल 64 है। अब हम जानते हैं वर्क जो होता है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी का टूल −p·e होता है। इसका मतलब अगर हम 180 डिग्री उसको रोटेट करते हैं तो इनिशियल कुछ ना कुछ एंगल तो होगा, वो थीटा से हम थीटा नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, थीटा नॉट प्लस पाई, क्योंकि फर्दर 180 रोटेट करना है। इब्तदाई क्या था? थीटा नॉट। दोनों का यू की वैल्यू इस फार्मूले से लिख सकते हैं, तो थीटा नॉट प्लस पाई आ जाएगा, ये पीई कॉस थीटा नॉट आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पाई के साथ कॉस थीटा नॉट पाई थीटा नॉट के बराबर ही होता है। तो ये आपके पास इस तरीके से 2PE cos θ0 के बराबर लिखा जा सकता है। अब जनाब क्या है, हमें P की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल फेज भी दिया हुआ है। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 1.22 × −23 जूल आ जाए। ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।